गुड मॉर्निंग क्लास 12। आई होप यू ऑल आर वॉचिंग द वीडियोस एंड आप अपनी प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियोस में मैंने एक क्वेश्चन आपसे पूछा था, ये क्वेश्चंस आपके बुक से रिलेटेड ही होंगे, आगे जो थ्योरी दी हुए हैं। एंड आपको इन क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट में बताने हैं और मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपको उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ नोट्स या पॉइंट्स आपको बताऊंगी और उसके आंसर क्लियर करूंगी। तो जस्ट अभी आपको बस ऐसे ही क्वेश्चंस को देखते रहना है और उसकी कोशिश करनी है उसकी क्वेश्चंस के आंसर्स को आप रीड कर सको और याद भी हो सके आपको, और उसे बस अपनी कॉपी पे नोट डाउन भी करते चलिए। एंड अभी के लिए हमने जो अपना फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, द फेमस रॉक कट त्रिमूर्ति इज एट, तो मैंने उसमें आपको फोर ऑप्शंस दिए थे, आई थिंक अजंता केव्स, एलोरा केव्स एंड एलिफेंटा केव्स एंड बाघ केव्स, तो जिसमें हमारा ऑप्शन 3 यानी एलिफेंटा केव्स करेक्ट आंसर था। दिस केव्स बिलोंग टू हिंदुइज्म। अनदर नेम ऑफ एलिफेंटा केव्स इज धारापुरी केव्स। एलिफेंटा केव्स आर ए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड एलिफेंटा केव्स महाराष्ट्र यानी मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से समथिंग 10 to 12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और हमें यहाँ से जो कुछ रॉकर्स मूर्तियाँ मिली हैं उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा त्रिमूर्ति यानी उसे शिव की मूर्ति भी कहा जाता है, शिव की मूर्ति, कहीं कहीं उसे ब्रह्मा विष्णु और महेश की थ्री जो मूर्तियां हैं उनके फेसेस हैं और उनको रॉक्स पे, बेसाल्ट रॉक्स हैं ये, उन पे इंग्रेव किया गया है। तो हमारा फर्स्ट जो मूर्ति है उसमें आपका त्रिमूर्ति एंड सेकंड पंचमुखी शिव, पंचमुखी परमेश्वर एंड थर्ड अर्धनारेश्वर। तो ये थ्री मूर्तियाँ जो वहाँ पे इंग्रीव हैं उन्हें ही हमें ये ध्यान रखना है। बस आपके एलिफेंटा और टॉपिक से कुछ यही पॉइंट्स थे इम्पोर्टेंट जिसे आप याद रखेंगे। और आज का क्वेश्चन मैं वीडियो के लास्ट में आपको बताऊंगी, आई होप आप कमेंट करेंगे, उसके आंसर्स मुझे देंगे। और इसे एलिफेंटा केव्स को आप और सर्च करना चाहते हैं तो विकिपीडिया पे और आपके बुक में भी जो थोड़े से पॉइंट हैं उसे एक बार आप रीड कर सकते हैं। एंड जो आज का टॉपिक हमारा शेडिंग वर्क में, हम टी पॉट यानी चायदानी या ऐसे केतली भी बोल सकते हैं, आज उसे हम ड्रॉ करना सीखने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं हम। बस आज हम आपके बुक में ये जो 40 पेज नंबर 40 पे आपके टी पॉट यानी चायदानी एक दी हुई है, आज हम इसे चायदानी का टी पॉट को बनाना सीखने वाले हैं। इसके पहले हम कप प्लेट सीख चुके हैं तो आज हम ये टी पॉट सीखेंगे। उसके लिए हमने एक रेक्टेंगल शेप लिया है जिसकी साइज 15 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है चौड़ाई इसकी। तो इसे हमने इक्वली 20 से डिवाइड किया है और आप चाहो तो एक सपोर्टिंग शेप के लिए हम एक सर्कल भी यहाँ ले सकते हैं।
सबसे पहले हम ऊपर एक एक शेप और लेने वाले हैं। ये एक हल्के से और शेप को हम बनाएंगे यहाँ पे। ये टीपॉट के हमारे जो लीड का पार्ट है उसके लिए। और फिर हम इसे ही क्लियर करते चलते हैं। इसके टीपॉट के लीड के लिए ही हम अच्छे से फिर यहां से एक और ये सर्कल देखें हाफ राउंड कर देंगे। और इसके ऊपर के पार्ट को अब हम यहां से अपने पार्ट को टीपॉट को नीचे के शेप के लिए स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से हल्का सा अंदर की तरफ राउंड देते हुए और हमें इसमें लाके यहाँ से राउंड देके इस पार्ट को मिलाते चलेंगे। ये हमने ये राउंड किया वैसे ही अपने अपोजिट साइड भी हम इसे लाके मिला लेंगे। और फिर ये नीचे बॉटम के लिए इसके एक स्ट्रेट लाइन छोटी सी लगभग 3-3.5 सेंटीमीटर की ये होगी इसे लेंगे और फिर यहाँ से इसे इस राउंड से मिला देंगे। हमने इसे मिला दिया। अब वैसे ही हम दूसरे साइड के पार्ट पे भी मिलाएंगे। आप देख पा रहे हो हमने इस पार्ट को ये मिला दिया। ये ऊपर के पार्ट में एक लाइन और हम बनाएंगे। अब हमें पॉट के नीचे का पार्ट क्लियर करना है। इसके लिए स्ट्रेट लाइन और इसी तरह ये स्ट्रेट लाइन से
मिला देंगे। पॉट के अब हम इस पार्ट में एक और शेप बनाएंगे। और फिर इसके अंदर एक और राउंड देंगे। और यहाँ से एक फिर यहाँ एक छोटे से स्ट्रेट लाइन और फिर डाके ऐसे भी हम यहाँ से ये राउंड करते हुए मिला देंगे। इसके इस पार्ट में ये नीचे का पार्ट थोड़ा सा चौड़ा होगा और ऊपर जाते हुए ये पार्ट थोड़ा सा पतला हो जाएगा। ये हल्के से एक छोटे से राउंड कर देंगे। ठीक, अब हम पॉट के हैंडल पे वर्क करने वाले हैं। हैंडल के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा उसके जॉइंट बनाएंगे। देन ये हैंडल, अब हम इसके हैंडल यहाँ तक होंगे, इसलिए जी और इसके स्पॉट को यहाँ से मिला देंगे। ये पार्ट इसके अंदर की तरफ वैसे ही उसकी एक और ऊपर की तरफ राउंड देके इसके हैंडल को शेप दे दिया। एक और जॉइंट के लिए यहाँ पे हल्के से हम बनाएंगे। देन हमारी जो पॉट का लीड है थोड़ा सा उसे बाहर की तरफ अभी हमारी पॉट के जो आउटलाइंस हैं, बाहर के जो शेप्स हैं वो रेडी हैं। अब हम
इसके जो सपोर्टिंग लाइंस और हमारे जो एक्स्ट्रा लाइंस हैं उन्हें क्लियर करेंगे, देन हम इसमें डिज़ाइनिंग और शर्ट डालेंगे। तो हमने ये जो हमारे एक्स्ट्रा लाइंस और शेप थे उन्हें क्लियर करके और लाइंस अपने थोड़ी सी क्लियर कर ली हैं। अब इसमें हम शर्ट डालेंगे और फिर डिज़ाइनिंग करेंगे। शर्ट डालने के लिए हम लेट के इस पार्ट पे हल्के से शर्ट डालेंगे एंड देन यहाँ से ऊपर की तरफ हल्के से शेप डालते हुए और इस पार्ट में पॉट के लीड के नीचे हल्के से शेप डालते हुए पॉट के इस पार्ट में इस साइड में हाइलाइट्स छोड़ते हुए थोड़े से और यहाँ फिर हम इतने में अपने लाइट शर्ट्स डालने वाले हैं। पॉट के ये नीचे के पार्ट में हम थोड़ा सा ज़्यादा डार्क करेंगे और यहाँ ला के हल्के से मिक्स कर देंगे हम। यहाँ ऊपर की तरफ बहुत हल्के से शर्ट डालते हुए पॉट के दूसरे पार्ट पे भी हम यहाँ कुछ शेडो है तो शेडो ये हम थोड़े से इस पार्ट को डार्क कर लेंगे। जैसे ये पार्ट इस पार्ट पे भी हम यहाँ थोड़ा सा डार्क कर रहे हैं। यहाँ से हम इसके एक साइड से यहाँ शेड डालेंगे और यहाँ लाके बिल्कुल लाइट कर देंगे।
देन यहाँ पे थोड़े से शेडोज हैं, इसलिए हम इस पार्ट को थोड़ा सा और डार्क करेंगे। जहाँ नीचे के साइड में हम हल्की सी शेडो डालते हुए और ये नीचे वाले पार्ट में वन साइड से डार्क डालते हुए साइड लाइट कर लेंगे। अब हम इसके हैंडल के पार्ट में कुछ शेड डालते हुए ये इसके देन यहाँ अब पॉट की हमने सेटिंग कर ली है, अब इसमें आप जो भी डिज़ाइनिंग करना चाहो वो कर सकते हो। जैसे कि हमारे बुक में दिया है तो हम उसी तरह डिज़ाइनिंग करने वाले हैं। यहाँ से हम दो लाइंस ड्रॉ करेंगे और फिर उसके थोड़े ऊपर से और वैसे ही दो लाइन हम और डालेंगे और अपने इस पार्ट में हम एक फ्लावर बनाने वाले हैं। हमने इस पे पेंसिल से शेड डाला है, आप चाहो तो क्रेयॉन कलर या फिर चारकोल पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हो। आपके शेडिंग वर्क में क्रेयॉन कलर अलाउ है। तो आप उसमें चारकोल या फिर क्रेयॉन कलर से भी शेड्स डाल सकते हो। हम यहाँ नॉर्मली पेंसिल से कर रहे हैं। इसके ऊपर के पार्ट के लिए ये हम फ्लावर के कुछ डेंटल बनाने वाले हैं। और इसके कुछ लीव्स से करते हुए ये डिजाइनिंग कर लेंगे। तो आप देख सकते हो हमारा पॉट तैयार हो गया, बस हमें इसके शेडो डालने हैं। इसके शेडो के लिए हम यहाँ अपने इस साइड से हल्के से शेडो डाल लेंगे। हम
हमारा पॉट कंप्लीट, आप इसे ट्राई करना। और आज का हमारा क्वेश्चन, तो क्लास आज का हमारा सवाल है, एलोरा स्थित कैलाश मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? मीन्स हु बिल्ड द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा? हमारे ऑप्शन हैं, फर्स्ट ऑप्शन परमार्स यानी परमारों के द्वारा, सेकंड ऑप्शन राष्ट्रकूट्स यानी राष्ट्रकूटों के द्वारा, थर्ड ऑप्शन चालुक्यों के द्वारा यानी चालुक्य, एंड फोर्थ ऑप्शन प्रतिहारों के द्वारा यानी प्रतिहार। आप इसके आंसर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। तो थैंक यू क्लास।